जिस सिद्धांत से, जिन बातों से कोई परिवर्तन ना हो अपने अंदर, परिवार के अंदर या समाज के अंदर या राष्ट्र के अंदर या विश्व के अंदर, तो वो केवल गाल बजाना माना जाता है। ये कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं? बस एक उदाहरण मैंने दिया, ये तो हर क्षेत्र में आपको दिखेगा जी। प्रेमचंद जी, सभी का प्रेम अभिवादन है। कुमार और पहली चीज, जी, प्रेम मैं कुमार कभी भी जी, इस चीज को नहीं मानता हूं कि लोकतंत्र ही सबसे बेहतर व्यवस्था है, भले दुनिया मानती हो या दुनिया में आज का राज चलता है। व्यवस्था कोई भी हो, जनता जिसमें सबसे ज्यादा सुखी हो वही सबसे सुटेबल व्यवस्था मैं मानता हूं। और कई शासन प्रशासन के कई तरीके हैं, कई फिलॉसफी है। दूसरा, आपका सवाल बड़ा जेन्यून है कि आखिर जनता कब तक सहे, और ये सवाल अभी का नहीं है प्रेम कुमार जी, आपने पूछा है, हजारों लाखों साल पहले का ये सवाल है। रावण जब था, राजा था, तब भी यही सवाल उठता था कि कब तक अत्याचार सहेंगे। उसके बाद कंस वगैरह, हिरण्यकश्यप जितने भी आए। और अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, आजादी के बाद की, तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं, तो ये तो सभी लोग मानते हैं कि जनता जनार्दन हमसे ज्यादा होशियार रहती है। ये सवाल वो हर चुनाव में पूछती है, और इसी जी कारण वो सत्ता का परिवर्तन करती है। शायद यही सवाल जनता ने अपने आप से पूछा था, तो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती जी, बसपा वगैरह बहुत सारी पार्टियां उभर के आई, क्योंकि उस वक्त जनता ने ये सवाल अपने आप से पूछा, समाज ने पूछा, और समाज को लगा कि भाई अब हम अत्याचार नहीं सह सकते हैं। और यही सवाल अंग्रेजों के टाइम पे पूछा गया कि भाई कब तक अत्याचार सहे, तो कांग्रेस आई। मेरे कहने का मतलब, पिछले 60-70 सालों से आजादी के बाद के इतिहास में ये सवाल हर बार चुनाव में पूछा जाता है, और जनता अपना मनोनयन करती है। आपने ये सवाल जो किया, आप 7-8 साल लेट कर रहे हैं सर। 2014 में यही सवाल पूरी जनता ने पूछा था कि हम कब तक अत्याचार सहे, और उनको लगा कि एक पार्टी है जो कि बेहतर कर सकती है, उन्होंने उसको मनोनयन किया, उसको जिताया, और वो पिछले 8-10 सालों से जो है शासन में है। तो मेरे कहने का मतलब, हम आप बैठ के यहाँ पे कुछ भी फिलॉसफी करें, जनता हर चुनाव में ये सवाल जो है अपने आप से पूछती है, और जनता के पास मौका होता है, और इसीलिए सत्ता परिवर्तन होता है। आपका ये जो बेसिक सवाल है कि कब तक अत्याचार सहे, अगर ये सवाल समाज में जिंदा नहीं होता, तो रावण को हरा करके कोई दूसरा राजा नहीं बनता, कंस को हरा के दूसरे दूसरे राजा को गद्दी नहीं दी जाती। और उसके बाद देखिए, सत्ता परिवर्तन जब भी हुआ है वो इसी सवाल के जवाब में हुआ है। तो मैं समझता हूं जनता ने ये सवाल 2014 में अपने आप से पूछा था, समाज में पूछा था, और जनता को अच्छा लगा। जिसको अच्छा लग रहा है वो पार्टी को वो बहुमत देती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो चौधरी साहब ने बोला, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ और उनके प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। अब अगर ये मान लिया जाए कि अभी जो सिचुएशन है, लोकतंत्र है, हम आप पत्रकार वगैरह बुद्धिजीवी होने के कारण हम आप विचार तो रख सकते हैं, लेकिन क्या वो चिंगारी समाज में पैदा कर सकते हैं जो लोहिया जी वगैरह ने किया था? अगर आप वो चीज नहीं कर सकते हैं, वहां पे भी सवाल यही था कि अत्याचार कब तक सहे, अगर उस लेवल की चिंगारी आप पैदा नहीं कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों का डिबेट करना बेकार है। मतलब हम केवल गाल बजा रहे हैं। जिस सिद्धांत से, जिन बातों से कोई परिवर्तन ना हो अपने अंदर, परिवार के अंदर या समाज के अंदर या राष्ट्र के अंदर या विश्व के अंदर, तो वो केवल गाल बजाना माना जाता है।